हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और गाइस, आज तो बहुत हैप्पी हूँ मैं, क्योंकि आज से हुई हमारे घर में शादी स्टार्ट। क्योंकि हम बहुत टाइम से वेट था कब शादी आएगी, तो फाइनली शादी स्टार्ट हो चुकी है आज से। मतलब आज कथा है, क्योंकि कुछ भी शुभ काम करने से पहले शादी करने से पहले भगवान की पूजा होगी। तो थोड़ी देर, मतलब मम्मी तो बोल रही थी 10 बजे स्टार्ट होगी, मैं सो रहा था, मम्मी ने उठाया कि आज कथा है तो जल्दी से उठ जा। तो अभी तो स्टार्ट हुई नहीं है, 10 बजे का टाइम था, तो अभी थोड़ा लेट हो गया। अब देखते कितने बजे तक स्टार्ट होती है। फिलहाल तो अभी नहाया भी नहीं है मैंने, नहाएंगे फिर रहेंगे आराम से। मतलब इस घर पे नहीं होगी, साइड वाले घर पे होगी, दादाजी के घर पे। तो अभी नहाते फिर वहाँ चलते हैं। और आज खन मिट्टी भी है। जिन लोगों को नहीं पता खन मिट्टी क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूँ। घर के मेम्बर्स, फैमिली मेम्बर्स जो भी रिलेटिव रहते हैं, तो बाहर जाते हैं और मतलब थोड़ी मिट्टी लेके आते हैं टोकरी कुछ में। तो इतना डिटेल में तो मुझे पता नहीं है, बाकी हाँ इतना पता है कि बाहर जाते हैं और मिट्टी लेके आते हैं और उसे घर में रखते हैं, इतना पता है मुझे। तो फिलहाल तो मैं भी नाश्ता कर रहा था, फिलहाल गाइस नहा के तो रेडी हो चुका हूँ मैं, मस्त कुर्ता डाल लिया है। और हम नहीं चलते हैं, कैसे प्रिपरेशन हुई है, मतलब सब कुछ रेडी है कि नहीं पूजा के लिए, तो सब कुछ चलते हैं और देखते हैं। कुछ मस्त खा के चलते हैं। अभी मैंने सुबह नाश्ता किया था, अभी मेरा सर दुखने लगा है, कुछ खाया नहीं, तो कुछ खा लेते हैं पहले, वरना पूजा में बैठने के लिए मिलेगी, तो कुछ खा के चलते हैं। मम्मी जी बना रही है मेरे लिए मस्त पराठे, घूम रहा है ये देखो कपड़े देखो इसके, मेरा पर पहन के घूम रहा है ये, कुछ पहन ले जाके। मम्मी तो पूजा में बैठी है, उनकी गोदरेज में रखा, तो चाबी ले उनसे बोल के। ये बस 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 खिलवा लो दिन भर। और समय बेटी दुआ 10वें मासी वही तो कन्या अर्पण जाते ही 10वें महीने सेठ जी क्या है कन्या का जन्म। नाना प्रकार के उत्सव हुए, मंगलाचरण हुए, और जब उसका नामकरण संस्कार हुआ तो वह कन्या जिस प्रकार शुक्र लड़ाई मत करे, तो कुछ पहन के आ जा, ओए कुछ कपड़े पहन ले ढंग के, देख सब तैयार होके घूम रहा है, देख मेरी मम्मी को तो पूजा कर, और तू कैसे घूम रहा है, उनसे पास में आके बोल दे, बोलना मेरे को कपड़े पहनना, जा जा खाना खाते हैं। इधर बैठे हुए पवन भाई, दर्शन भाई उधर निकाल रहा अपना खाना, वो भी लेके आ रहा है, उन्होंने मेरे लिए तो निकाल दिया है मस्त आलू मटर की सब्जी और पूड़ी है, खा रहे हो तुम, खाओ। किसी को पूरे सब दूर घरों में घुमा देते हैं अपन को। So guys, ये हमारी मीमी, ये देखो गाइस, ये लपकती बहुत है यार, ये मीमी यहाँ गाइस, ये देखिए हमारे पवन बॉयस व्लॉग्स मीमी को छुपी है दे रहा। हाँ ये बंदी है, लगे तो बता देना मैं ले लूंगा, किचन में मत लेके कहीं, सबके घरों का ऊन टूर भी हो जाएगा आज, जितने भी घर है हमारे। अरे यार इसी
गाइस बहुत बड़ा घर है यार हमारा। गाइस थक गया मैं। अब रेडी हो जाइए। नहीं रेडी बुलाना नहीं दे रहा जाओ। अरे हमने एक रखा दिया है सर। कौन सी पुरानी? नहीं सर मैं देखता हूं सबसे पुरानी और नई वाली का सुना। चाबी लेके आ। हमारे घर में लगा हुआ है ताला। ताला बोलो। फाइनली घर में। अभी तो भाई लेके भी चलना है भाई। कितने हाथ दुखे गाइस मेरे? इतने खतरनाक हाथ दुख रहे हैं। कल शोल्डर लगाए थे मैंने, इतने खतरनाक दुखे। पर लेके मैं ही जाऊंगा। जय श्री राम। अरे यहाँ पे बहुत यूनिक टाइप की रोटी देखो। चोगे बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चोगे। और टीना इधर डाल रही है इसमें किराना। किराना। तो ये कौन खाएगा? ये कौन खाएगा? ये बेटी जवाई ले जाएंगी अपने यहाँ से। हाँ। और अपने जवाई के लिए भेज रहा। अच्छा, और टीना के बाल आ गए। और ये इस तरीके से हमने थोड़ा सा मजाक किया है। मिर्ची रख दी। चलो तो मनाओ, मैं जा रहा हूँ मार्केट। ठीक है गाइस, अभी तो हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि अभी शाम को जाएंगे ना हम लोग खनमिट्टी लेने के लिए। तो उसके फटाके लेने जा रहे हैं। जीवन कितनी लड़खड़ा रही है, तो उसके लिए फटाके लेने जा रहे हैं हम लोग। और ढोल तो अभी थोड़ी देर से आने वाले हैं, तो अभी पहले फटाके लेके आते हैं। ये जिया जी के कार है, हमारे दीदी है मतलब हमारी, उनके कार है, इसे चलते हैं। गाइस लिटरली बता रहा हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग है ना पानी पे चल रहा हूँ। इतनी ज्यादा स्मूथ चल रही है ना ये, इतने से ब्रेकर का पता नहीं चल रहा, इतने से भी इतनी ज्यादा स्मूथ चल रही है। मजा आ रहा है इसमें कतई, है ना रौनक? बहुत स्मूथ चल रही है, बहुत। थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर पे तो इतनी स्मूथ चल रही है, पता ही नहीं लग रहा है कि कार में, ऐसे लग रहा है घर पे सोफे में बैठे हुए हो। फिलहाल तो हम लोग पहुंच चुके हैं, पीछे रही शॉप लेते हैं और फिर निकलते हैं। देखिए गाइस लूट कर लिया है गाइस, फिलहाल फटाके तो ले लिया। हम ऐसे फटाके फोड़ेंगे कि कैसे धरती हिला देंगे। धरती हिला दोगे? हाँ। ऐसे मत फोड़ना, धरती पे अपन भी तो रहते हैं ना। फिर तो तुम भी हिल जाओगे, फिर तो तुम भी हिल जाओगे। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों काम करना जिसमें तुम भी हिल जाओ? फोड़ने से मतलब खुद भी हिल जाओ। चल फटाके लेके तो आ गए हम लोग, अब सब लोग रेडी हैं। अब खन मतलब मिट्टी लेने जा रहे हैं हम लोग, खन मिट्टी से कहते हैं। तो अभी हम लोग पाउडर लेने आए थे। पापा जी का कॉल लगा इतने में, उन्होंने मुझे कहीं पर काम से भेज दिया था। सो जस्ट मैं काम निपटा के अभी घर पर आया, और अब मैं जा रहा हूँ मम्मी जी को हॉस्पिटल लेके, क्योंकि मम्मी जी की अभी तबीयत ठीक नहीं चल रही है बिल्कुल भी। उनको रोज़ बॉटल लग रही है, अभी दो तीन दिन और उनको बॉटल लेगी। तो डेली तो पापा जी लेके जाते थे उन्हें, अभी पापा जी हैं नहीं, पापा जी कहीं गए हुए हैं बाहर, तो ये मैं लेके जा रहा हूँ। सो फिलहाल तो अभी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। और आज तो बहुत मस्ती करी, मतलब आज पहले दिन था शादी का, और बहुत मस्ती करी आज हमने, बहुत डांस कर, बहुत मस्ती करी, मतलब बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आ गया आज तो। फिलहाल तो इस ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ। और अभी आज है 12 तारीख, तो अभी 13 14 15 हाँ 3 दिन अभी गैप रहेगा, क्योंकि खनमिट्टी के बाद ऐसा थोड़ा गैप रहता है।
तो 3 दिन अभी गैप रहेगा, फिर 16, 17, 18 और मतलब इतनी तारीख से स्टार्ट होगी कंटिन्यू शादी, फिर कंटिन्यू चलेगी। तो मतलब 3-4 दिन फिर कंटिन्यू चलेगी, अभी 3-4 दिन का गैप है, फिर कंटिन्यू चलेगी। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।